दोस्तों अगर कमतासिया स्टूडियो में आप MKV फाइल को एडिट करना चाहते हैं तो कमतासिया स्टूडियो में सिर्फ MP4 फाइल ही एडिट होती है। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे आप MKV फाइल को कमतासिया स्टूडियो में एडिट कर सकते हैं। आपको MKV फाइल को पहले MP4 बनाना होगा। जैसे कि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि बहुत आसान तरीके से आप MKV फाइल को MP4 फाइल में बदल सकते हैं सिर्फ एक क्लिक के मदद से। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जैसे कि ये MKV फाइल है, इसे प्रॉपर्टी में आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये MKV फाइल है, तो इसको हमें MP4 पहले बनाना होगा। चलिए देखते हैं ये कमतासिया स्टूडियो में जाती है या नहीं। देखिए ये कमतासिया स्टूडियो में नहीं इम्पोर्ट हो रही है और यहाँ पे शो भी नहीं हो रही है। तो पहले इसको MP4 फाइल में कन्वर्ट करना होगा। आप इस ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस ऑप्शन को अनटिक आपको कर देना है। अनटिक करने के बाद अप्लाई पे क्लिक कर दें और उसके बाद ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमको फिर से प्रॉपर्टी में जाना है और यहाँ पे MKV लिखा हुआ है, इसको हम MP4 लिख देते हैं। MP4 लिखते ही ये MP4 फाइल में कन्वर्ट हो जाएगी और इसके बाद हम कमतासिया स्टूडियो में इंपोर्ट करते हैं तो ये इंपोर्ट हो जाती है। देखिए ये कमतासिया स्टूडियो में इंपोर्ट हो चुकी है। अब हम इसको अच्छी तरीके से एडिट भी कर सकते हैं। अब आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो MP4 फाइल हो या MKV फाइल हो, आप बहुत ही आसानी से उसे MP4 फाइल में बदल सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की हेल्पफुल वीडियो आपको मिलती रहे।